Hello everyone, welcome to my channel. We are back with a new question. Find the value of RL that will absorb the maximum average power. Calculate that power. हमें RL की value बतानी है, जिसके लिए ये circuit से maximum power transfer होगी RL में, और वो power कितनी होगी ये भी बताना. जब RL हो, load जब RL हो, यानी resistive हो, when load is pure resistive and Thevenin impedance, ये नोट बना के लिखना, impedance is complex, then क्या होगा, then क्या होगा, RL जो होता है वो mod of ZTH होता है, ठीक है. और P max जो होगा, maximum power जो होगी वो होगी mod of VTH का square, VTH यानी Thevenin voltage, upon 4 RL plus RTH, ठीक है. ये standard case है, याद रखना. मैंने इससे पिछले वाले में बताया था, जब RL की जगह ZL हो, यानी ये भी complex हो और लोड भी कॉम्प्लेक्स हो, थेवेनिन इंपेडेंस भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है. उसका केस बताया था मैंने, ये सेकंड केस है, ठीक है. तो पहले हमें क्या चाहिए, हमें ZTH निकालेंगे, उसका मोड निकालेंगे तो हमें RL मिल जाएगा, और ZTH से ही मुझे क्या मिल जाएगा, RTH मिल जाएगा, ठीक है. तो मैं थेवेनिन इंपेडेंस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको करूँगा शॉर्ट. यहाँ से निकालना, जहाँ से निकालना होता है, ठीक है, उसको हटा देते हैं. J20 माइनस J30 ओम, और ये हो जाएगा 40 ओम, ठीक है. अब ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है 40 माइनस J30, वो इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है. तो ZTH जो होगा वो कितना आ जाएगा, 40 माइनस J30 के साथ पैरेलल में है कौन, J20. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 40 माइनस J30 मल्टीप्लाई बाय J20 अपॉन 40 माइनस J30 प्लस J20, ठीक है. तो इसे सोल्व करके ZTH आएगा हमारा 9.41 प्लस J22.35, ठीक है. तो यहाँ से हमें चाहिए अब क्या, RL. RL क्या होता है, मोड ऑफ ZTH, यानी 9.41 का स्क्वायर प्लस 22.35 का स्क्वायर, ये आएगा, और 24.3525 इतने ओम, ठीक है. RL की वैल्यू आ गई, RTH की आ गई, दिस इज RTH, ठीक है, ये याद रखना. मैं इसको फॉर्म बता दूं किस टाइप का, RTH प्लस JXTH, ठीक है. यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेते हैं, तो RTH कितना आ जाएगा, 9.41 ओम. RTH मिल गया, RL मिल गया, अब मुझे चाहिए VTH, ठीक है. तो VTH निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ से कैलकुलेट करूँगा. देखो, मैं दोबारा सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये 150 एट एन एंगल ऑफ 30 वोल्ट, 40 ओम माइनस J30 ओम, और यहाँ पे लग रहा एक इंडक्टर, इसका इम्पीडेंस है J20. अब यहाँ से देखो, लोड को मैंने हटाया और मुझे निकालना है यहाँ से VTH, ठीक है. तो VTH मैं निकालूंगा, ये एक सीरीज सर्किट है, इसमें करंट इस टाइप से फ्लो होगी, ठीक है. सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा तो मैं क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ VTH जो आएगा, टोटल वोल्टेज जिसके एक्रॉस निकालना है वो, ठीक है, वो सीरीज में ये होता, अपॉन टोटल 40 माइनस J30 प्लस J20. तो ये जो VTH है, ये जो VTH है, ये हमें इसका मोड चाहिए, ठीक है. तो बस मोड वैल्यू निकालेंगे जब, तो मोड वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, तो एंगल हट जाता है मोड वैल्यू निकालने में, तो यहाँ रह जाएगा 150, यहाँ रहेगा 20, ऐसे नीचे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर द रूट 40 का स्क्वायर प्लस 10
tan का स्क्वायर, ठीक है, मुझे मोड वैल्यू चाहिए बस। नेक्स्ट, अब क्या ये जो सोल्व होकर आएगा मोड ऑफ VTH, ये आएगा 72.76 इतने वोल्ट, ठीक है, VTH की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए Pmax, Pmax मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मोड ऑफ VTH का स्क्वायर अपॉन 4RL प्लस RTH, सारी वैल्यू आ चुकी है, इसमें लगा दो, ये आ जाएगा 72.76 का होल स्क्वायर अपॉन 4RL, RL की वैल्यू आई है यहाँ पर 24.25 और RTH आया हमारा 9.41, ठीक है, तो ये सोल्व होके आएगा 39.32 वोल्ट, ठीक है, एवरेज पावर निकाल लेना, तो यूनिट क्या रहेगी वोल्ट, तो पी मैक्स आ चुका, इतनी पावर ट्रांसफर होगी सर्किट से RL में, ठीक है, या RL इतनी मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सेकंड केस था RL, ठीक है, हम सारे केसों की बात करते आएंगे, तीन ही केस पॉसिबल, तीन ही केस होते हैं, एक में जब RL और ZL दोनों, जब लोड और थेवेनिन इंपेडेंस दोनों रजिस्टिव हों, एक दोनों इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स हों, एक कॉम्प्लेक्स और एक रियल हो, ठीक है, इस टाइप से तीन केस बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।